सबको मैं स्वागत करता हूँ। दुनिया की पार्टी जहाँ पर भी है खुशी है, क्योंकि कोने कोने में जाके उसको जगाने के लिए जो कोशिश हो रही इसको जो है आवाज की तरफ से उसको पूरी तरह से मदद देते हुए वो लोगों की कामयाब होना, वो लोगों की जो है काम जो है वो एक दिया उसको जो है कामयाब होना बोल के हम मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आज के हालात, इंडिया के हालात तो आप सब लोग जानते हैं। नेश के अंदर की बात हो रहा है अभी पूरा। अब हमारे वजीर आजम देश के बाहर जाकर ये कहते हैं कि 600 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उन्हें वोट दिया है। तो बहरहाल मुल्क का वजीर आजम सिर्फ बात करने का आदी है और बात करते वक्त दिमाग किधर रहता है वो भी समझ नहीं है। इंटरनेशनल फोरम में अगर हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी रेटिफिकेशन अगर ये बात करे कि 600 करोड़ हिंदुस्तानियों ने उनको वोट दिया है तो दुनिया तो उस पर हंसेगी। अब मीडिया बिकाऊ मीडिया है, मीडिया को लफ्ज हार नजर आता है, मीडिया को गाय नजर आती है, बैल नजर आता है, मीडिया को सब्जी के साथ और क्या क्या नजर आता है आपको मालूम। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलाशुबा ये भगवा रंग में रंग चुका है और मुल्क को बचाना है तो फिर समझिए के साथ बहुत कुछ एक नए मनसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक के दलितों और विशेष अफात और मुसलमानों का ताल्लुक बिलाशुबा इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती इन्हीं तफात पर हो रही है। अब मैं अगर अपने आप को आईने में देखता हूं तो बेशुमार मसाइल नजर आते और मुल्क का सेकुलरिज्म इस वक्त बहुत समझिए के साथ किसी के कि मुल्क का सेकुलरिज्म क्रीपिंग अंडर डेथ शैडो चल रहा, मौत के साय में चल रहा। पॉलिटिकल पार्टीज भी सॉफ्ट हिंदुत्वा की बात कर रही के साथ एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्वा है तो दूसरी तरफ सॉफ्टकोर हिंदुत्वा चल रहा। चाहे मुल्क की कोई भी सियासत इसका मतलब रियल इश्यूज ऑफ दिस कंट्री को बाहर लाना है और रियल इश्यूज सॉर्ट आउट होना है और हम लोग ऑल सियासी पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे थे और ये प्लेटफॉर्म हर एक अपने अपने मसाइल को हल करने के लिए यूज करने के लिए बनाना चाह रहे और ये फर्स्ट कन्वेंशन है। इसके बाद हमारी कमेटी डिस्कस करने के बाद ये मुंबई या दिल्ली या कोलकाता या कहीं भी हम फिर एक कन्वेंशन फिर सेकंड कन्वेंशन के लिए तैयार है करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारा मतलब ये है कि 707 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हमको बनानी है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मतलब नहीं है और ये कोई पॉलिटिक्स करने का मतलब नहीं है और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन में नहीं रहेगा, किसी के खिलाफ में नहीं बोलेगा और किसी के सपोर्ट में भी नहीं बोलेगा। ये तो एक सन्स ऑफ द साइल हम इस मुल्क के इंडिजिनियस पीपल हैं, SC ST PC OC माइनॉरिटी सिख के लोगों का साथ लेकर चलना है और इस चलने के लिए इस रियल इश्यूज को हिंदुस्तान के सतह में इस स्टेट्स में हाईलाइट करने के लिए अवामी मसाइल को एक यात्रा निकालने के लिए हम डिसाइड हो रहे हैं, जिसकी डेट अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं हम। और दूसरे रियासतों में दूसरे स्टेट्स में जब भी हमें कन्वेंशन करके लोगों को इकट्ठा करके हमारे मामला पूरे वो लोगों के सामने रखने के बाद ये यात्रा की डेट डिसाइड होगी। इंशाल्लाह आप सबका ताउन चाहिए, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में बने रहिए, इसमें मेंबरशिप लेके आइए। ये हमारा मकसद है। ये किसी के खिलाफ में मूवमेंट नहीं है, ये ना ही सियासी अफिलिएशन रखता है ना किसी के खिलाफ बोलता है। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान के पूरे लोगों को जमा करने का एक मजबूत है, क्योंकि
स्टेट इश्यूज, कॉन्करेंट इश्यूज एंड सेंट्रल इश्यूज में बटा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रॉम वॉर्म टू टर्म वी आर ऑल एंगेज्ड इनटू द वेरियस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डे बाय डे. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व सॉर्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसीलिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. ये हमारा मामला है, यह फर्स्ट कन्वेंशन जिसमें तमिलनाडु से परशुरामन जी आए हैं और बिहार से सतीश राणा साहब आए हुए हैं और महाराष्ट्र से इस्माइल पाटली वाला भी आए हुए हैं और एपी से राजेंद्र आए हुए हैं और जीएम शाह के बेटे मुजफ्फर शाह कश्मीर से भी आए हुए हैं. वो तो ये तो इस वक्त मीटिंग चल रही है. आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, हम लोगों का इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में जुड़ जाइए. ये इस मुल्क के सही मसाइल के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. इसमें क्या है आप? नेशनल जो हालात हैं कुछ दो तीन साल से एकदम बदलते हुए आ रहे हैं, जो सेक्युलरिज्म के लिए बड़ा खतरा है और अपने जो दलितों के ऊपर लवजात गौ रक्षा और वंदे मातरम जय श्री राम का नारा नहीं लगाने से उनके ऊपर जुल्म होता जा रहा है. ये चीज़ें हम जब तक बर्दाश्त करेंगे ये सब चीज़ें और करके अब ये पूरे दस्तूर के दायरे में रहते हुए हमारे मसाइल को हम हुकूमत के सामने रख के उसके लिए कोशिश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मैनारी दलित सिख आदिवासी ये सब लोग का एक प्लेटफॉर्म बना के प्लेटफॉर्म के जरिए ये हुकूमत बनाएंगे. ये जो हिंदुस्तान की जो सियासत है सिर्फ 15% लोग मिलके पूरे 25% लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और पूरा ये 1% लोग मिलके पूरे 75% के लोग की दौलत उन लोग हासिल कर रहे हैं और बाकी के 25% जो दौलत है 99% आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं. तो ये माशी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से और सियासी एतबार से ये मुस्लिम को, दलित को, सब तबकों को दबा दिया जा रहा है और ये लोग तो अगर से अपने हुकूक का मुनासिब करना मतलब जब तक हम ये दलित मुस्लिम आदिवासी पीछे हुए हम एक प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे तो ये लोगों का हम मुकाबला कर सकते हैं और वो दिन दूर नहीं है. अगर से ये लोग तो वो मकसद से ये नेशनल इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट काम किया गया है. ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ना हमारे कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक है, ना किसी से हमारे को हमदर्दी है, ना किसी से हमारे को दुश्मनी है. हमारे लिए जो ज़रूरत है, जो मसाइल है, उसके लिए हम जदोजहद करने का मकसद है. आवाम को भी बेदार करने की ज़रूरत है. एक 25% से 1,000 आदमी को लेके 100 दिन का एक यात्रा निकालने का प्रोग्राम है. ये गाँव ही गाँव जाके ये पिछड़े हुए तबका मुस्लिम्स को, अखिलतियों को, सब हमारे मसाइल क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो सुबह करना चाहिए, हम ये सब चीज़ों को एक शऊर बेदार करके हैदराबाद से निकल के तमिलनाडु तमिलनाडु से श्रीनगर तक ये यात्रा रहेगा इंशाल्लाह. अल्लाह चाहे तो